ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे चिरचिरी की कथा। इस कथा को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुना जाता है, जिसे कि पड़वा कहते हैं। इस दिन आटे से, चावल के पौधे से या फिर गेहूँ से घर बनाया जाता है। उस घर में चिरचिरी की पूजा की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, तुलसी की स्थापना की जाती है, भोग खील का बतासा इन सभी का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी दान भी किया जाता है, ठाकुर जी की सेवा की जाती है। यह बहुत ही विशेष होता है और इस पूजा को खासकर जो लोग यह चाहत रखते हैं, इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि उनका भी अपना घर हो, क्योंकि यह चाहत तो हर किसी में होती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में या तो संतुष्ट नहीं हैं, या उनका घर बहुत ही छोटा है, या वह किराए के मकान में रहते हैं, तब खासकर उन सभी को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए और पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आपको कथा सुननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे, आइए कथा को हम सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चार चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में स्नान करती थी, कार्तिक के नियम का पालन करती थी। पड़वा के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा कहा जाता है इसे। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, वहीं दूसरी चिड़िया दाल लेकर आई, तीसरी चिड़िया घी ले आई और चौथी चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पहले नहाया जाए, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। तब सभी चिड़िया स्नान करने चली गई। पहली चिड़िया जब आई तो उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। बाकी अभी तीन चिड़िया आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया जब आई तब उसने पानी पिया। इसी प्रकार से तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया जब आई तो उसने खुरजन खा ली। इस प्रकार से वक्त बीता और चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह एक राजा के घर में जन्मी राजकुमारी के रूप में, जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर जन्मी, जिस चिड़िया ने खिचड़ी का भोजन किया था उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जो चिड़िया खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के हाथ दासी बन गई, ब्राह्मण की कन्या राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही रहा करती थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी ठीक हो गई और उसकी शादी हो गई और वह विदा होने लगी, तब राजा से बोली, पिताजी मैं अपने साथ अपनी सहेली दासी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है तुम अपने साथ ले जाना। इस पर राजकुमारी ने कहा, हे पिताजी मुझे हथनी को भी साथ ले जाना है। राजा ने कहा, ठीक है तुम हथनी को भी साथ ले जाओ। इसके बाद राजा ने अपने नौकर हथनी के पास भेजे और हथनी से, तब नौकर ने कहा, राजा ने तुम्हें बुलवाया है चलो, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब आखिरकार हार पार कर राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह सब कुछ एक चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा था। तब उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में ऐसा तुमने क्या कहा जिसको सुनते ही हथनी उठकर खड़ी हो गई। इस पर राजकुमारी ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने फिर उससे कहा, देखो सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने भी तब सारी बातें सुनी और कहा, अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोर से कार्तिक स्नान करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे। दोस्तों, इसी कहानी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।